So, आज हम यही वाला हेयर स्टाइल बनाएंगे कैसा लगा आपको सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपने बाल को डीटांगल कर रही हूँ क्योंकि दैट्स रियली इंपॉर्टेंट और मैंने उसके पहले सरम अप्लाई कर लिया था ताकि हेयर स्टाइल बहुत स्मूथ बने अब नेक्स्ट स्टेप हम मिडिल पार्टीशन करेंगे हमारे पालों का बिकॉज ये हेयर स्टाइल उसी तरह बननी है देन इस तरह से हम पार्टीशन निकालेंगे एंड विल मेक श्योर टू बैक कॉमेट ताकि हमारे हेयर बिल्कुल चपटे से ना लगे और थोड़ा सा पफी लुक सा लुकाए है हमारे हेयर पे बट यहाँ मुझे ऐसा लगा कि पार्टीशन थोड़ा छोटा ले लिया है इसलिए मैंने पीछे की तरफ से और थोड़े से बाल ऐड किए थे सो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ से फिंगर्स को ही अपने हेयर पे रन किया क्योंकि कोम से यूज़ करती तो बहुत ही चपटी से बाल हो जाते हैं दैट्स वाई एंड देन उसे छोटे से रब बैंड से सिक्योर कर लिया है ना छोटी सी पोनी टेल सो so ये हमारी एक पोनी टेल बन रेडी है अब हम सेम प्रोसेस के थ्रू नेक्स्ट पोनी भी बनाएंगे हम मेक श्योर sure करेंगे कि जिस हाइट पर हमने ये वाला पहला वाला पार्टीशन बनाया था उसी सेम हाइट से हम बनाए ताकि हमारी हेयर स्टाइल थोड़ी इक्वल सी लगे एंड ऑलमोस्ट उतना ही ब्रॉड पार्टीशन लें सो मैंने यहाँ पे दोबारा से किया है उसे बे बैक कॉम करना बिल्कुल ना भूलें एंड देन आप उसे एक छोटे से रबर बैंड से सिक्योर जस्ट मेक श्योर कि आप आपका रबर बैंड अच्छे से टाई करें क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लूज होगा ना तो हमारी हेयर स्टाइल भी लूज़ सी बनेगी एंड वो अच्छा नहीं दिखता है सो हमारी दोनों पोनी टेल्स रेडी हैं अब इसके बाद हम इसमें मिडल पार्टीशन करेंगे एंड देन हमारी पोनी चेल को बाहर से अंदर की तरफ को पुल करेंगे इस तरह से फिर हमारी पोनी को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे सो दैट वो वहीं सिक्योर हो जाए नेक्स्ट पोनी टेल के मेरे साथ हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे उसे भी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ पुल करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप के लिए वॉट विल डू हम दोनों पोनी लेंगे और हमारे क्राउन सेक्शन से थोड़े से और हेयर लेंगे इस तरह से ताकि हमारी जो अगली बाउंसी वाली पोनी बनेगी ना वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से बाउंसी वाली बनेगी राइट सो हम इसे अच्छे से कोम कर लेंगे एंड देन इसे फिर से एक छोटे से रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे अभी हमें क्या करना है पहले वाली पोनीटेल्स हमने बाहर से अंदर की तरफ करी थी पुल लेकिन ये वाली पोनीटेल हम अंदर से बाहर की तरफ पुल करेंगे सो so दैट वो बाउंसी वाला इफेक्ट आएगा हम यहाँ पे मिडल पार्टीशन करेंगे फिर से अगर आपका रबर बैंड थोड़ा ज़्यादा टाइट है और मिडल पार्टीशन नहीं हो पा रहा है सो मेक श्योर कि आप उसे थोड़ा सा पुल कर ले पीछे की तरफ देन मिडल पार्टीशन कीजिए एंड अंदर की तरफ से आप बाहर की तरफ निकाल लीजिए एंड देन इसे इस तरह से टाइट कर लीजिए एंड वाला योर हेयर स्टाइल इज रेडी पीछे से जो आपकी छोटी वाली पोनी का ऐसे बाउंसी इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है सो ट्राई कीजिए